हम खामखा बेचारे 2020 को गालियां दे रहे थे, असली औकात तो 2021 दिखा रहा है। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर सरोज। तो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में सब ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग मैंने शुरू किया है, अभी मेरे सारे काम जो है घर के निपट चुके हैं, साफ सफाई हो गई है, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, बच्चों जो है अपनी ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं। तो मैंने सोचा ब्लॉग जो है शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब ब्लॉग की शुरुआत हो जाती है तो फिर ही ब्लॉग बन पाता है, बस मेन होती है शुरुआत करना। तो अभी जो है गर्मी जो है आज काफ़ी ज़्यादा हो रही है, देखिए पसीना मुझे आ रहा है, और क्योंकि फ़ैन नहीं लगाया है मैंने, फ़ैन लगाते हैं तो फिर जो है वॉइस अच्छी से नहीं आती है वीडियो में। तो सब लोग अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए और स्वस्थ रहिए। और अभी हिमाचल में जो है लॉकडाउन जो है 26 तारीख तक दोबारा से बढ़ गया है, और गर्मी जो है बढ़ रही है, लेकिन बीच बीच में जो बारिश हो जाती है उसकी वजह से जो है मौसम अच्छा हो जाता है। तो यहाँ होशियारपुर भी बिल्कुल हिमाचल के साथ ही है, तो वेदर यहाँ का और वहाँ हिमाचल का बिल्कुल ही सेम रहता है। तो अभी जो है अभी मैंने आलू मटर की सब्ज़ी मैंने बना दी है, और अभी बनाऊँ मैं चावल और चपाती। जो है मैंने सुबह ही थोड़ी सी 4 चपातियाँ एक्स्ट्रा बना के रख दी थी, क्योंकि मुझे मिक्स चावल और रोटी अच्छी लगती है। तो अभी चलते हैं किचन में और बातें भी करते हैं, और साथ साथ जो है मैं अपना काम भी कर लेती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और साथ में मैंने जो है चावल चढ़ा दी है गैस पे, ये देखिए यहाँ पे कुकर पे, और यहाँ पे जो है बनी है आलू मटर की सब्जी मैंने बनाई है, देखिए। और ये जो आप देख रहे हो ये है मीठा जो कि मैंने बनाया था कल, और उसमें से जो है ये थोड़ा सा बचा है, ये मैंने फ्रिज में रखा था, मैंने इसको निकाल दिया था कि ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, और क्योंकि खाना खाने के बाद जो है मीठा खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत सारे लोगों को जो है अच्छा लगता होगा खाना खाने के बाद मीठा। तो अगर या तो इस तरीके का बना है तो ठीक है, नहीं तो फिर गुड़ वगैरह मैं जरूर खाती हूँ खाना खाने के बाद। तो यहाँ पर मैंने निकाला है एक खीरा और एक प्याज, जो मैं बनाने वाली हूँ अभी रायता खीरे का। और ये देखिए यहाँ पे पुदीना भी मैंने सुखाने के लिए रखा है, और जब अंदर ही पुदीने को इस तरीके से सुखाते हैं तो बहुत ही अच्छा ये सूखता है, हरा हरा रहता है, और खुशबू भी इसकी बहुत बिल्कुल जो है बरकरार रहती है। यहाँ पे देखिए मैंने डब्बी में जो है पाउडर बना के रखा है, और फिर जो है काफी टाइम तक आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें हम जो है पुदीना पाउडर ऐड करते हैं। तो अभी मैं ये दोनों चीजें कट कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद जो है बनाते हैं रायता और फिर करते हैं लंच। तो यहाँ पे जो है मैंने सबसे पहले डाल दिया है जीरा, और जीरे को मतलब ये गरम तवे पे रख दिया है, और इसका फिर जो है बनाऊंगी पाउडर, क्योंकि इस तरह से जब ये रायता बनाते हुए जब हम इस तरह से पाउडर बनाते हैं ना जीरे का, इसका तो अलग ही खुशबू आती है और अलग ही टेस्ट आता है। तो अभी कर दूंगी गैस को बंद, इसको होने दूंगी तो थोड़ा सा ठंडा, तो इसको जो है खीरे को कर देती हूँ मैं कद्दू का। यहाँ पे जो है खीरा मैंने कर लिया है कद्दूकस, और मैं सबसे पहले यहाँ पे इसमें ऐड करूंगी दही, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले दही मैंने डाल दी है, और अब मैं डालूंगी ये प्याज और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और अगर आप प्याज नहीं डालना चाहते तो आप जो है इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन डालोगे तो बहुत ही यम्मी टेस्ट आएगा। और उसके बाद मैं डालूंगी इसमें ये जो मैंने जीरा पाउडर अभी अभी बनाया है वो, और डालूंगी इसमें थोड़ा सा पुदीना पाउडर बिल्कुल हल्का सा, और अभी हम डालेंगे इसमें काला नमक,
तो यहाँ पे आप काला नमक ना डालना चाहो तो दूसरा भी डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ काला नमक ही डालूंगी। और जैसे कि हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दी है, तो पाउडर वगैरह मैं कुछ भी इसमें नहीं डालने वाली हूँ। अब लास्ट में मैं डालूंगी इसमें ये हरा धनिया, इसको मैं कट कर लेती हूँ पहले बारीक। अगर आपको करना है इसको पतला तो हल्का सा आप इसमें पानी डाल दीजिए, लेकिन हमारे लिए सफिशियंट है, बिल्कुल ठीक है, ज्यादा जो है हमें पतला करने की जरूरत नहीं है। तो सभी जो है यही सा ये जो है रायता खीरे का बन के हो गया है रेडी, रायता बन के हो गया है रेडी, साथ में जो है चावल भी हो गए हैं। और मैंने कर दिया है गैस को बंद और अभी हम कर लेते हैं लंच, तो आप लोग भी आ जाइए लंच के लिए। और आज कल ना वैसे जब गर्मी होती है तो रायता होना मतलब खाने में जो है रायता बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो रायता जब मर्जी बना सकते हैं, सर्दियों में बनाते, लेकिन गर्मी में स्पेशली जो है या तो रायता होना चाहिए साथ में, या तो फिर चटनी होनी चाहिए, या तो फिर आम का अचार होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ जरूर चाहिए होता है। तो अभी जो है बातें ज्यादा ना करते हुए, बच्चों को भी भूख लगी है और अभी जो है उनकी क्लासेस भी हो गई है बंद, मतलब खत्म हो गई है, और कर रहे हैं वो भी लंच का वेट। तो अभी हम कर लेते हैं लंच, तो आप लोग भी आ जाइए लंच के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लेट भी मैंने लगा ली है अपनी भी, बच्चों को मैंने दे दिया है, और अब मैं भी खा लेती हूँ। और साथ में जो है ना ये वाला जो है मीठा रस का बना है, ये भी ले लूँगी। और अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा यम्मी ये जो है रस का मीठा बनता है, और बहुत ही यम्मी ये बना भी था रस का मीठा। तो अगर आपने नहीं बनाया है तो जरूर बनाइए, और वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देखिए, और बूंदी का मीठा भी मैंने साथ के साथ शेयर किया है तो वो भी देखिएगा। तो अभी मैं कर लेती हूँ लंच, तो मिलती हूँ बाद में फिर आपके साथ। तो डियर फ्रेंड्स, लंच हो गया है, अभी मैं कर लेती हूँ बर्तन वगैरह साफ, और उसके बाद करूंगी थोड़ी देर के लिए रेस्ट, और वीडियो के एंड में यहीं पे कर दूंगी। ज्यादा लंबा ब्लॉग मैं नहीं शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के साथ करें। और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मतलब मेरी वीडियो वॉच तो करते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यूट्यूब स्टूडियो में जो है ये सारा हमें देखने को मिल जाता है, और मैं स्क्रीनशॉट भी आपके लिए लगा दूंगी कि कितने जो है नॉट सब्सक्राइब्ड जो है मेरे वीडियोस को देखते हैं। तो गाइस, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के साथ कीजिए, उससे ऐसा होगा कि आपको जो है चैनल सर्च करके वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।